जी माना मीठी मीठी पारी पारी नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लोग जा रहे थे अयूबिया और नथिया गली। यहाँ पे मैंने मिर्हा को पहले चेंज करवा दिया था, उसके बाद मैंने कहा चलो हम नाश्ते की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मानो थोड़ी क्रैंकी हुई हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ वेदर भी चेंज था, उस वजह से भी ज़रा ना उसको थोड़ा फ्लू भी हो रहा था। तो अज़र के मैंने इतने तरले किए, मैंने कहा यार मानो पकड़ लो, और अज़र ऐसा नहीं था लेथार्जिक फील करवा, जैसे अज़र ने पता नहीं कितनी देगे बना के अज़र रात को सोए हैं, सुबह उठ के बनाई हैं। मैंने पीछे दो चेयर्स ऐसे ज्वाइन करके मानो को बिठा दिया, मैंने कहा चलो यार यहाँ बैठो, दुनिया जहाँ की जो मेरे पास चीज़ें किचन में अवेलेबल थी मैं उसके आगे रख दी कि चलो उनके साथ खेलती रहेगी। पर मानो ने कहा ना जी ना मामा, मैं भी बड़ी ढीट हूँ, मैंने भी आपकी गोदी में चढ़ना है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर साथ साथ मानो पकड़ी हुई थी, साथ साथ मदर को बातें सुना रही थी कि ना आप मानो पकड़े हो, ना आप नाश्ता बना रहे हो, मैं सारा कुछ कर रही हूँ, खुद आप मजे से बैठे मोबाइल पर लगे हुए हो। अच्छा जी, यहाँ जी मैंने ना हमारे पास बर्तन नहीं था डिस्पोजेबल, मतलब वैसे खाना पकाने के लिए थे लेकिन सर्व करने के लिए नहीं थे, तो उसके लिए जुगाड़ जो ऐसे पतीलियों का ढक्कन ढक्कन पड़े हुए थे उन पे मैंने ब्रेड रख के अंडे रख के, मैं कहा चलो ऐसे ही आज गुजारा करते हैं, क्योंकि अगर कभी पता था कि डिस्पोजेबल प्लेटें उन्होंने लानी है और वो वहाँ से ज़रा थोड़ा दूर था तो पैदल काफ़ी चलना पड़ता था। ये मेरा वॉइस ओवर करते भी आपको मिर्हा की चूँचा सुनाई दे रही होगी। चलें जी, बहरहाल यहाँ पे हमने प्लेटों का जुगाड़ लगाया था, क्योंकि अगर मैं अज़र को कहती प्लेट्स लेके आओ, वो काफ़ी दूर था, और अज़र ऐसे सुस्त आदमी अज़र नहीं था, ना जी ना। मैंने अज़र को यहाँ पे छेड़ा, मैं कहा घर में आप कहते हो अच्छे से अच्छी क्रॉकरी और यहाँ पे आप ऐसे कामचोर सुस्त बने हुए हैं, आप कह लो यार जो भी हो रहा है बस दे दो, कुछ नहीं होता। यहाँ जी नाश्ता हमारा फुल बन चुका था, नाश्ता वही हम बेसिक करते होते थे, स्लाइस ब्रेड या कभी फ्रोज़न पराठे रखे हुए थे वो खा लेते थे। तो और अज़र आगे पीछे चाय नहीं पीते, और वहाँ अज़र ने इतनी चाय पी हर टाइम, चाय 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 चाय। मैं कहा वाकई इधर आप इधर आगे बड़ी चाँग चाँग कर रहे हैं, वैसे भी चाँग चाँग बड़ी करते हैं पर इधर आगे हम ज़्यादा ही चाँग चाँग कर रहे हैं। चाय की मैं ज़्यादा शौकीन हूँ लेकिन अज़र नहीं है, लेकिन वहाँ भाई अज़र ने तो ऐसे चाय पी जैसे पता नहीं हम यहाँ पर कहाँ पर स्कर्दू की वो चोटी पर बैठे हैं, जहाँ पर जी हमें सिर्फ ठंडी लग रही है और कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ। यहाँ जी देखें जुगाड़ लगा के हमने नाश्ता अपना सर्व कर लिया था, वो पतीली के ढक्कन में मैंने एक अंडे फ्राई करके रख दिए थे, और एक बाउल था उसमें मैंने ब्रेड और बटर रख दिया था, यहाँ मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा था, और फिर हम अपने सफ़र की तरफ चले। हमने कहा चलो हम पहले अयूबिया चलते हैं, रास्ते में धूप थी, मैंने कहा ज़रा आज तो लगता गर्मी होगी, मतलब मौसम इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन शुक्र है आगे हमें धूप कम मिली, फोगी वेदर भी मिला हमें, और मज़े की बात हमें वापसी के रास्ते पर हमें बारिश भी मिली, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी सीन। यहाँ पे हम व्यू कैप्चर कर, अच्छा एक मज़े की चीज़ होती थी, मतलब समटाइम्स एक व्यू इतना प्यारा होता था, इतना खूबसूरत होता था, लेकिन ना कैमरा उसको जस्टिस नहीं कर पाता था, मतलब जब मैंने ऐसे लाइव देखना तो वो और चीज़ होती थी, मैं वीडियो बनाने लगती थी तो वो कैमरे में ना वो ब्यूटी नहीं आ रही होती थी। यकीन करें ये इतना खूबसूरत व्यू था ना, कैमरे ने फिर इसको जस्टिस नहीं किया था। मैंने अज़र से कहा, अज़र ने कहा यार जाहिर सी बात है जो आँखों का देखा हुआ है वो कैमरा थोड़ी जस्टिस कर सकता है, लेकिन बहरहाल सुभान अल्लाह मतलब बहुत खूबसूरत व्यू था। ये जी हम अयूबिया आए थे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ एक नेशनल पार्क था, यहाँ के यू पार्क था वो बच्चों के बेसिक से जुड़े थे जो आइलैंड में होते हैं, और सबसे अहम बात जे लिफ्ट वहाँ पे बंद थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही थी उधर, कहते थे कि कंस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन फ़िलहाल बंद थी वहाँ पर। यहाँ पे यहाँ के बाज़ार भी ऐसे वो बेसिक माल रोड वाले बाज़ार थे, वही सेम चीज़ें पड़ी थी, कोई प्राइस का 19-20 का फ़र्क होगा, मैं गई नहीं अंदर ज़्यादा क्योंकि चीज़ें बिल्कुल वही सेम नज़र आ रही थी। और ये पार्किंग वाले ये तो इतने गंदे होते हैं ना, ये पहले अपने खाने के होटल के चक्कर में जी आए हमारे होटल में आप खाना खाएं, पार्किंग करवा लेते हैं बाद में, इनको कहते भी हैं यार हमने खाना नहीं खाना हमारी बस पार्किंग कर लो, पार्किंग करवा लेते हैं बाद में, कोई जनाब जी रस्ते इतने टेढ़े मेढ़े होते हैं तो पार्किंग जब हमने गाड़ी निकालनी होती है तो बाद में कोई लिफ्ट नहीं कराता, बाद में कहते हैं खुद ही निकाल लो खुद ही निकाल लो, बड़े सेल्फिश लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जी अज़र मुझे बता रहे थे कि इससे आगे वाला एक रेस्टोरेंट है ये बर्गर शेक्स वाला था कोई, तो कहते यहाँ पे ना मैडिस वाल बैठा हुआ था जब मैं पिछली दफ़ा आया था, तो मैं अज़र को कहती मैं कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो मुझे कहते कहते हाँ तुम बड़ी उसकी फैन हो तुमने यहाँ किसको मिलना था, मैं कहा अच्छा यार ठीक है, तो हर बात में मेरा बंदा उल्टे जवाब, तो अज़र उल्टे जवाब ना दें ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। उसके बाद हमने जाना था अल्पाइन होटल, यहाँ पे एक बहुत मज़े का ना डेक बना हुआ था, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे जी आप लोग अगर मतलब वहाँ पे एक टाइम में 18 लोग क्योंकि
कैपेसिटी होती है कि वहाँ पे आप 18 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। और अगर आपने वहाँ बैठ के खाना है तो बिल आपको देना होता है 1500 से ऊपर का, 1500 से कम का ऑर्डर वो आपका प्लेस ही नहीं करते। वहाँ पे बड़ी फैमिलीज थी वहाँ कि जी हमने वहाँ पे डेक पे बैठना है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ उस टाइम 2 पर्सन अलाउ थे, तो मुझे और अदर को जगह मिल गई थी। यहाँ मैं और अदर अपना खाना इंजॉय करते, हमने बहुत हल्का फुल्का लाइट से मंगवाया था, फिर भी हल्का फुल्का करते करते 1500 से ऊपर का बिल बन गया, क्योंकि हमने किया हुआ था नाश्ता, इस वजह से हमने कहा चलो बस चाय शाय पी लेते हैं। लेकिन बहुत मज़े का व्यू था यार यहाँ पे। और यहाँ जी इन्होंने ऐसे परिंदे वगैरह ऐसी चीज़ें छोड़ी थी, ऐसी बात है एंटरटेन भी तो करना होता है आवाम को। यहाँ पे अदर वॉशरूम ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, मैं कहा चलो मैं यहाँ पे चहलकदमी करती हूँ, देखती हूँ क्या है। यहाँ पे आगे मैं गई, वहाँ पे ना विला बने हुए थे, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है लोगों की, वो बनी हुई थी। हमने जब इंटरनेट पर चेक किए इनके रेट्स, तो जी वो तो ऐसे आसमानों को छू रहे थे। मैं कहा जी यार सही मम्मी डैडी जगह है, और सही ये लोग बैठे ना यहाँ पे कमा रहे हैं। यहाँ पे एक जिप लाइन का भी मतलब उन्होंने एक्टिविटी रखी हुई थी, लेकिन जब तक हम गए थे जिप लाइन वाला आदमी पता नहीं कहाँ भाग जा गया था। हमने जाना था लाइट होटल, अज़र के नहीं हम अल्पाइन जाएंगे, मैंने कहा नहीं हम लाइट, पता नहीं लीड था लाइट था क्या था, बहरहाल शुक्र है अज़र की बात मान ली, क्योंकि यहाँ पे व्यू ज़्यादा अच्छा मिलना था और वहाँ पे नहीं मिलना था, क्योंकि बाद में मैंने ना गूगल पे बैठ के पिक्चर्स देखी थी, तो अल्पाइन होटल की ज़्यादा मज़े की थी। यार ये व्यू चेक करें, सीरियसली लगता है अभी भी ना वहीं घूम फिर रहे हो, और वही बात कैमरा जस्टिस ही नहीं करता व्यू को यार। इसके बाद ही मेरा तो ये था, मेरा तो गाड़ी चलती थी, मानो कहती थी यार मैंने सो जाना है, यहाँ पे ना इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे थे, मैं कहता कहीं गाड़ी रोक के एंजॉय करते हैं, मानो भी सो रही है, मानो को ना लटा के ना बाहर ऐसे घूमते फिरते हैं, क्योंकि वो एक फोगी सा क्लाउडी सा वेदर होता ना तो बड़ा मज़ा आता है। मेरा के साथ ये होता है, मेरा चूँ चैन लगाई होती है, मैंने मानो को सीट बेल्ट डाया, फिर मेरी ढीठ मानो उठ गई, मानो ने कहा ना जी ना मैं तो रंग में भंग डालूँगी, मामा आप कैसे इंजॉय कर सकती है, मैंने आपको इंजॉय करने नहीं देना। बहरहाल मानो उठ गई, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने यहाँ पे मानो को गाड़ी पे बिठा के मानो की पिक्चर्स वगैरह ली। यहाँ पे अदर को फिर से वॉशरूम जाना था, अदर साहब वॉशरूम वॉशरूम ढूंढते हुए आए, और वो आदमी कहते जी आप नहीं जा सकते, आप यहाँ रहते नहीं हैं। बहरहाल अदर तले मिलते करके चले गए थे। यार यहाँ पे ऐसे बड़ा मज़े का व्यू था, पर इस टाइम मानो उठ गई थी, यह मानो मेरी गोदी में आ गई, मैंने कहा चलो आओ आपको भी व्यू दिखाते हैं हम। मानो ऐसे मासूम बन के मेरी गोदी में चढ़ती थी, जैसे पता नहीं इससे मासूम है ही नहीं है, और मुझे पता है कितना बड़ा भूत है ये। उसके बाद यार इस पॉइंट पे बारिश शुरू हो गई थी, बारिश जैसे शुरू हुई मैं कहते नथिया गली में बारिश नहीं मिली, यहाँ हमें घर जाते हुए बारिश मिल गई। अज़र बारिश इंजॉय कर रहे थे, मेरे दिन में था मैं कब मैंने भी घर जाना, घर जाके मैंने खाना शाना बनाना है, क्योंकि अज़र के दिमाग में उस दिन वाइट कढ़ाई इतनी को फिट हुई हुई थी, अदर कहते आज मैंने खानी खानी है, और मैंने कहा अच्छा यार चलो ठीक है आज मैं आपको बना के दूँगी। मैं घर जाती सबसे पहले ना काम शुरू कर दिया, नहीं तो बंदा इतना सुस्त हो जाता है तो आप वो फिर कर नहीं सकते हो, तो आप फिर सुस्त बन के बैठ जाते हैं। थोड़े मैंने वाइट कढ़ाई बनाई, अगर मुझे कि थोड़ा सा लेट जाओ, मगर एक दफ़ा मैं लेट गई ना मेरे अंदर सुस्ती आ जानी, और मैंने नहीं काम करना, क्योंकि जब आप एक दफ़ा लेट जाते हो ना फिर नहीं आपका दिल करता कुछ करने का, खास तौर पे ऐसी जगह जहाँ आपको पता हो कि अच्छा यार मैं यहाँ नहीं भी करूँगी तो मैं नहीं करूँगा। यहाँ फिर नहीं अगर ना मानो पकड़ी थी, फिर मैंने दोनों चेयर ज्वाइन करके मानो के आगे हर चीज़ रखी थी, मेरे पास शक्कर थी और मैं शक्कर उसके मुँह में ना डाली जाती थी। यहाँ पे फ्रोजन पराठे थे भी, शुक्र है ये अज़र ने रखे हुए थे, बस ये नहीं कहते रोटी पकाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई तंदूर ही नहीं था आसपास, तो फिर हम फ्रोजन पराठों से गुजारा करते थे। और मैंने ऐसा किया, मैंने अपनी तरफ से अकलमंदी मारी, मैं कहा मैं ना शवारमा ब्रेड मंगवा के ना उसको ऐसे तवे पे सेक के ना मैं वो खाती हूँ, तो वो तो ऐसे को मज़ा ही ना आया मुझे। बाद में अज़र का पराठे का ना तोड़ तोड़ के खाऊँ, अज़र मुझे क्या तुम मेरा पराठा खा रही हो, तुम्हें शवारमा ब्रेड अच्छी नहीं लग रही, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। यहाँ व्यू देखे हम किस व्यू में बैठ के खाना खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। एक वो मेरा प्यारा व्यू आ गया, चलो
यहाँ उसके बाद रात को हम थोड़ा आराम शाम करके माल रोड निकल जाते थे। वहाँ से मैंने थोड़ी सी बच्चों के लिए चीज़ें ली थी। यहाँ पे मानो बड़ी खुश होती थी कि जब मैं प्रोग्राम में बैठ गई मैं लाइट्स देखूँगी, और बड़ा मतलब इंजॉय करती होती थी। और आते जाते लोग इसको देखते थे, ये मतलब बड़ी मछली फ्रेंडली है, लोग बड़ा इंजॉय करते थे इसको। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको इंजॉय करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।